मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं पूजा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, COVID-19 की वजह से आपकी क्लासेस स्थगित कर दी गई, तो आपकी क्लासेस पुनः शुरू करने के लिए हमने ऑनलाइन माध्यम चुना है। सो इसके पहले हमने एक टॉपिक भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक था इंटरनेट। हमारा आज का टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क गोज टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का हम लोग ANN भी बोलते हैं इन शॉर्ट में। आज इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने सिनॉप्सिस बताया है आपको। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, वर्किंग मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड द लास्ट वन इज द कंक्लूजन। आज हम न्यूरल नेटवर्क के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का है। सो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। न्यूरल नेटवर्क आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स को हम लोग ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है कि जैसा हमारा ब्रेन वर्क करता है, उसी प्रकार हमने ब्रेन को एक मशीन में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जैसे कि ब्रेन हमारा न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करता है, मैसेजेस को सेंड करता है एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स में, उसी प्रकार यही इम्प्लीमेंट हमने एक मशीन में किया। उस मशीन को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क्स। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो बायोस्टैटिक्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह रिसर्च का मोस्ट प्रिफरेबल टॉपिक है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो डेली बेसिस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर आता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। और उसके अंदर हमारा न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल है गूगल ट्रांसलेट, गूगल असिस्टेंट। एंड अब बात करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क मतलब होता क्या है। न्यूरल मतलब न्यूरॉन्स, और नेटवर्क मीन्स आपस में कनेक्टेड है, मतलब न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि इंटरनेट में क्या होता है कि इंटरनेट क्या करते हैं, डाटा की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ओके। उसी प्रकार हमारा ये न्यूरल नेटवर्क भी वर्क करता है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम समझेंगे कि दूसरे माध्यम से हमारे न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर गैजिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और उनको जो वो कनेक्टिविटी देता है उससे हमें क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं अदर ब्रेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स में ट्रांसमिट होते हैं। उस ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं, हमारा न्यूरल नेटवर्क। ह्यूमन ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लर्निंग एल्गोरिथम, जो एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है और अपने अंदर डाटा को ट्रेन करता है। और जो ये लर्निंग कैपेसिटी है ह्यूमन ब्रेन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन बनाती है। हम अब समझेंगे कि ANN का मतलब क्या होता है। हमने ह्यूमन ब्रेन को मशीन में इम्प्लीमेंट किया है, और हमारा ब्रेन काम करता है, जैसे ही हमारा ब्रेन काम करता है वैसे ही हमारा एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। बट वहाँ पे हमारी जो आर्टिफिशियल नेटवर्क है उसमें हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स नहीं होंगे, बल्कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होंगे, जो कि क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, अगर हमने कंप्यूटर के अंदर 8 की पावर 1 क्या होती है उसको चेक करने के लिए हमने डाला, तो उसका समय हमें तुरंत मिल जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम अपने ब्रेन से पूछते हैं कि ब्रेन में 8 की पावर 8 क्या होती है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन हमारा रिप्लाई नहीं करता है, ब्रेन हमारा रिप्लाई करता है, बट वो कुछ समय लेता है। इसीलिए यही चीज़ हम सोचते हैं कि हमें बहुत ही इसका जो वाइड एप्लीकेशन है, हम चाहते हैं कि यही चीज़ हमने न्यूरल नेटवर्क्स में आर्टिफिशियल नेटवर्क्स बनाए, जिससे हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। अब हमारा नेक्स्ट आता है वर्किंग मॉडल ऑफ ANN। वर्किंग मॉडल यहाँ पे हमने बताया है, ये हमारा क्या है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स है, ओके, और ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क।
जैसे कि हमारे ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स वर्क करता है उसी प्रकार हमारा ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं और ये उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूरॉन्स हमारी एक प्रकार की सेल होती है और आप जानते हो कि सेल में क्या होता है, सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बट इस न्यूरॉन्स में आपका एक सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स इस न्यूरॉन्स में नहीं होते हैं। अब ये डेंड्राइट्स करते क्या है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, उसके बाद फिर ये एक्सॉन्स में सेंड करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे मैसेज, हमारे न्यूरॉन्स क्या होता है, हमारे मैसेज को कैरी करता है, मतलब एक न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करता है, मैसेज को कैरी करता है, ओके, एक्सॉन के थ्रू। उसके बाद ये सिनेप्सिस क्या करता है, हमारा सिनेप्सिस करता ये है कि ये हमारे यहाँ से मैसेज रिसीव करने के बाद सिनेप्सिस दूसरे न्यूरॉन्स को क्या करता है, सेंड करता है, मतलब हमारे दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेज को सेंड करता है। ये हमारा क्या हो गया, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हो गया। अब हम बात करते हैं, हमने हमारा आज का टॉपिक था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो हमने जैसे ही हमारी ब्रेन वर्क करता है वैसे हमने ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया है। इसमें हमने क्या किया है कि हमने इनपुट न्यूरॉन्स दिए, हमने न्यूरॉन्स को कुछ इनपुट दिया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। उसके बाद हमने क्या किया है, इसका समिंग फंक्शन, हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किया है। उसके बाद जब ये एक्टिवेट होने के बाद हमारा ये आउटपुट रिजल्ट देता है, ठीक है। उसी प्रकार ये जैसे कि हमारा ये ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसी प्रकार हमारा ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। ये हमारा, चलो बच्चों आज का हमारा टॉपिक ये न्यूरल नेटवर्क्स था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।